सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एक्सप्रेशन. अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमें क्या होती है एक लैंग्वेज गिवन होती है, उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं. ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा दैट मीन्स ए डी एफ ए या एन एफ ए. तो इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर. ओके, और ये जो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हम डी एफ ए या एन एफ ए डिज़ाइन करते हैं, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज. ओके, ये लैंग्वेज क्या होती है, आपकी रेगुलर लैंग्वेज होती है. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, अगर ये लैंग्वेज किससे जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर. ये लैंग्वेज जिस ग्रामर से जनरेट होती है, यानी जिस ग्रामर से ये रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है, उसको क्या कहते हैं, रेगुलर ग्रामर. ओके, ग्रामर क्या होती है और रेगुलर ग्रामर क्या होती है, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये जो होता है एक तरीके से जनरेटर, इसको कहते हैं जनरेटर. यानी रेगुलर ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज. ओके, अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस रेगुलर लैंग्वेज का मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज का क्या है, रिप्रेजेंटेटर. यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डी एफ ए एन एफ ए वो एक एक्सेप्टर की तरह होता है, रेगुलर ग्रामर जो होता है इस लैंग्वेज के लिए एज ए जनरेटर की तरह होता है, और इसका अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ये रिप्रेजेंटेटर है, उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, तो अब देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है. यानी रेगुलर लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन. अब यहाँ लिखा हुआ है, लेट सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका, इनपुट अल्फाबेट. कोई भी एक लैंग्वेज होती है उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट अल्फाबेट होता है, तभी हम लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं. सिग्मा बी अ गिवन अल्फाबेट, पॉइंट नंबर वन क्या लिखा हुआ, फाइ एप्साइलन एंड ए बिलोंग्स टू सिग्मा. अगर सिग्मा, सपोज दैट सिग्मा फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ ए एंड बी. ओके, तो क्या क्या, फाइ एप्साइलन एंड स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या, इस सिग्मा का जो भी पार्ट होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या है, ए बिलोंग्स टू सिग्मा आर रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, तो यानी फाइ सिग्मा और कोई भी इनपुट अल्फाबेट गिवन होगा उसके करस्पॉन्डिंग ए belongs to sigma या b belongs to sigma, ये आपका क्या होगा, regular expression. और ऐसे regular expression को क्या कहेंगे, primitive regular expression. okay, second point क्या लिखा हुआ, suppose that if r1 and r2 are regular expression, suppose that r1 एक regular expression है और r2 एक regular expression है, तो point number a क्या लिखा हुआ, r1 plus r2 is also regular expression. तो r1 r2 क्या, यानी ये basically जो लिखा हुआ a b c, ये सारे क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑपरेशन है. तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर भी इसको कहते हैं. ओके, तो अगर कोई एक आर वन रेगुलर एक्सप्रेशन है और आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, अगर आर वन आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है और आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन क्या होगा, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. और तीसरा क्या लिखा हुआ, आर वन एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसका क्लीन क्लोजर क्या होगा, यानी क्लीन स्टार क्या होगा, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ओके, और अगर कहीं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा उसको ब्रैकेट में लिखना है, तो वो भी क्या होगा, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. आप एक एग्जांपल करते हैं, वन बाय वन सारे जो ऑपरेशन है उसको समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं, अगर सपोज दैट आर वन विच इज इक्वल्स टू ए एंड आर टू विच इज इक्वल्स टू बी, ये एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आर वन है और आर टू जो है आर टू विच इज इक्वल्स टू बी, तो ए भी क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, बी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ओके, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. सपोज ये कैसे होगा, सपोज दैट एक लैंग्वेज है एल वन, जिसमें क्या है आपकी सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, उसके करस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज है जिसकी लेंथ, जिसमें वो सारी स्ट्रिंग आ रही है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली वन है, तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली जो भी आपके टर्म यानी जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे. क्यों, क्योंकि ये आपका फाइनाइट है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. अभी इनफाइनाइट लैंग्वेज का कैसे लिखते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं. दूसरा क्या है, सपोज दैट ए और बी दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो दूसरा ऑपरेशन क्या है, R1 concatenation with R2, which is equals to A, B. ये आपका regular expression होगा. यानी R1 regular expression है, R2 regular expression है, तो इन दोनों का concatenation कैसे लिखेंगे, A concatenation with B. तो A, B क्या होगा, ये भी आपका एक regular expression होगा.
सी वाला देखते हैं, यानी तीसरा, सपोज दैट आर वन, आर वन विच इज इक्वल्स टू ए है, तो आर वन स्टार विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्टार। यानी अगर आर वन एक रेगुलर एक्सप्रेशन है विच इज इक्वल्स टू ए, तो इसका अगर हम क्लीन स्टार, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर अगर हम लिखेंगे तो आर वन का स्टार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्टार। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। सपोज दैट सिग्मा दिया हुआ ए कॉमा बी, और एक लैंग्वेज दी है एल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू, तो कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब इसका डी एफ ए डिज़ाइन कर रहे थे, तो ए ए, ए बी, बी ए एंड बी बी। ओके, ये आपकी क्या आएगी, ये सारे स्ट्रिंग आएगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या, ये लैंग्वेज आपकी फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो लैंग्वेज एल क्या है आपका, फाइनाइट है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सबका यूनियन कर देंगे, ए ए, ए बी, बी ए प्लस बी बी, सॉरी बी ए प्लस बी बी, ये हो जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपके सिंपली क्या करेंगे, कोई एक लैंग्वेज है जो आपकी फाइनाइट लैंग्वेज है, इसका सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, सबको क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसका ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ओके, और इधर देखेंगे तो इधर क्या है आपका, बी कॉमन है, तो बी को इससे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख लिया, ए प्लस बी, इधर क्या आ रहा है, ए प्लस बी। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। अगर कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा है, फोर्थ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो यानी एक तरीके से क्या कहते हैं, ये आपका वन लेंथ स्ट्रिंग और ये क्या आपका वन लेंथ स्ट्रिंग के बीच में एक तरीके से कॉन्कैटिनेशन हुई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अगर कहीं ए ए प्लस, जैसे इसको हमने कॉमन लिया, वो कैसे लेंगे, ए ए एंड ए बी। ओके, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दिए, ए प्लस बी फॉलोड बाई स्मॉल ए, नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से, ठीक है, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो फर्स्ट बिट होगी वो दोनों कॉमन होगी, तो इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। और अगर यही चीज़ इस तरीके से लिखी होती, सपोज दैट ए ए बी प्लस बी बी ये लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो अगर इसमें कॉमन लेंगे तो ये क्या आपका सेकेंड बिट जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस बी एंड फॉलोड बाई बी। बी को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट आ जाए। अगर इसको हम स्टार्टिंग में लिख दें, फॉर एग्जांपल ये आपकी आ रही, इसके करस्पॉन्डिंग ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर यहीं इस तरीके से लिख दिया जाए, बी ए प्लस बी, तो जब इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो पहले इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, बी ए एंड क्या आ जाएगा, बी बी। और जबकि क्या था, ए बी एंड बी बी, यहाँ क्या आ रहा, बी ए एंड बी बी, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बोथ आर डिफरेंट। अब एक एग्जांपल और करते हैं, तो अब ये क्या था, एग्जैक्टली टू लेंथ के लिए, तो ये टू लेंथ के लिए हमें मिल गया। अगर हमें थ्री लेंथ की लेनी हो तो ये किस, ये सपोज एल वन है, एल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली थ्री, तो हमने टू लेंथ की यहाँ निकाली है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी टू लेंथ की आएगी, और एक लेंथ को और इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री लेंथ, दैट मीन्स ए ए ए ट्रिपल ए, नेक्स्ट ए ए बी, इस तरीके से इसमें टोटल कितने, आठ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जो कि आपके सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली थ्री। फोर के लिए करेंगे तो फोर के लिए क्या होगा, एक और कॉन्कैटिनेट करेंगे, एंड सो ऑन, जितनी हमारे रिक्वायरमेंट होगी उसको कर लेंगे। अब एक लैंग्वेज लिखते हैं, एल थ्री, सपोज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ क्या हो, एटलीस्ट टू हो, तो एग्जैक्टली टू के लिए ये है, ओके, एटलीस्ट टू के लिए क्या होगा, इसके बाद, यानी अगर मान लो सपोज दैट हम क्या करते हैं, ए प्लस बी लगा दिए, तो थ्री लेंथ की हो जाएगी, नेक्स्ट ए प्लस बी लगाएंगे फोर लेंथ की, नेक्स्ट ए प्लस बी लगाएंगे फाइव लेंथ, सिक्स लेंथ, एंड सो ऑन। तो अगर इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, स्टार, स्टार का मतलब जीरो लेंथ, वन लेंथ, टू लेंथ, थ्री लेंथ। देखो हम लोगों ने जब सिग्मा स्टार डिस्कस किया तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्टार, दैट मीन्स सिग्मा स्टार क्या क्या कंटेन करता है,
तो सिग्मा सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा क्या होता है, नल वन लेंथ स्ट्रिंग बी ए एंड बी बी, टू लेंथ स्ट्रिंग, थ्री लेंथ स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, एग्जैक्टली टू लेंथ है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मॉड टू यानी स्ट्रिंग उसकी लेंथ क्या हो, एटलीस्ट टू हो। तो एटलीस्ट टू के लिए हमें क्या है, यहाँ एग्जैक्टली टू यानी टू लेंथ की स्ट्रिंग एटलीस्ट आनी चाहिए, उसके बाद कितनी भी यानी थ्री फोर फाइव सिक्स। तो क्या करेंगे यहाँ से ए प्लस बी होल स्टार इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें टू लेंथ की लेनी है तो यहाँ नल सब्सिट्यूट करेंगे, थ्री लेंथ की लेनी है तो यहाँ वन सब्सिट्यूट करेंगे, फोर लेंथ की लेनी है तो यहाँ टू सब्सिट्यूट कर देंगे एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए। अब सपोज दैट एक लैंग्वेज है एल फोर विच इज इक्वल्स टू मॉड टू इज लेस देन इक्वल टू टू, तो इसका मतलब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, एल फोर में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, नल स्ट्रिंग, क्योंकि क्या है स्ट्रिंग क्या हो सकती है, जीरो लेंथ वन लेंथ एंड टू लेंथ, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो नल स्ट्रिंग आएगी ए एंड बी एंड ए ए ए बी बी ए एंड बी बी, यही स्ट्रिंग आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। तो अगर आपका फाइनाइट है तो फाइनाइट में क्या करेंगे, सबको कौन यूनियन कर देंगे, प्लस बी प्लस ए ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा या यहीं हम लिख देंगे या इसमें जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है उसको लिख के, जैसे अभी एग्जैक्टली लेंथ टू के लिए लिखे थे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन का बेसिक ओवरव्यू कि क्या डेफिनेशन होती है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ओके, अब फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।